हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 30 है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट की डिटेल को शो करवाएंगे कि हमने पेज बना रखा है एक प्रोडक्ट डिटेल के नाम से, उसके अंदर हम इस प्रोडक्ट की डिटेल को शो करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने होम पेज के ऊपर। इसको अभी हम फिलहाल बंद कर देते हैं, इनसे अभी हमारे को कोई काम नहीं है। होम पेज पर आएंगे, index.php। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा एक कार्ड बना हुआ है, ठीक है, इस कार्ड के अंदर हमें लिंक बनाना है। इस इन कार्ड को हम लिंक बनाते हैं, तो हम अपने ब्राउज़र में आएंगे और इस कार्ड के यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करते हैं कि ये पूरा कार्ड एक लिंक रहेगा। ठीक है, रीलोड कर देंगे हम इसे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये उस कार्ड के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट की डिटेल पे चला जाएगा। तो इसके जो लिंक देना है वो हमें क्या देना है कि बेस यूआरएल होम के अंदर प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, उस प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, क्लिक करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज है, तो इस प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। ठीक है ना, और अब हमें इसे क्या करना है कि इसको टारगेट ब्लैंक कर देते हैं कि ये दूसरे पेज के ऊपर खुले, दूसरा टैब पे खुले। ठीक है, क्लिक करेंगे, अगले टैब पे खुलेगी ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन पे जाना है, होम के अंदर आईडी इक्वल एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी भी हो सकती है, तो उसको हम नॉट फाउंड दिखाएंगे। तो इसमें आर्ग्यूमेंट सेट करते हैं हम। ठीक है, आईडी बराबर ये वाली आईडी है, जो आईडी आ रही है वो आईडी रहेगी। ठीक है, इसमें लिखते हैं डॉलर दिस रोड मॉडल फैच रिपोर्ट बाय आर्ग्यूमेंट। ठीक है, टेबल का नाम रहेगा एमएस प्रोडक्ट्स और आर्ग्यूमेंट रहेगा हमारा ये। इसको एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, और इसको पास कर देंगे इसमें डाटा का वेरिएबल, एरे बना के हम भेज रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे और इस पेज में आ जाते हैं। इस पेज का नाम है व्यू प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट आइटम, इसमें हम कंडीशन लगाएंगे काउंट अगर प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट वहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आईडी जीरो से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा वो प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, और एल्स में क्या दिखाएगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, बॉयज शर्ट पिंक कलर लार्ज। ठीक है, ये उसका टाइटल आ रहा है। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा, जैसे कि मैं 30 कर देता हूँ, नॉट फाउंड दिखा रहा है क्योंकि इस आईडी का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं और इसको हम ऊपर ही लगाएंगे क्योंकि बार बार हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम दे देते हैं प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट के अंदर जीरो इंडेक्स का हमें प्रोडक्ट टाइटल देखना है। ठीक है, इसके बाद पेज के अंदर आना है, इनको लिंक बनाएंगे, इसकी कैटेगरी को बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, और इसके बाद इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट का जो कलर रहेगा वो कलर आ जाएगा, प्रोडक्ट का कलर। इसके बाद प्रोडक्ट का वेट आ जाएगा,
ठीक है। इसके बाद हमें दिखाना है इसकी प्राइस कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। प्राइस ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट की इमेज भी दिखानी है। तो इसकी हम इमेज शो करते हैं, अपलोड्स का फोल्डर, उसके अंदर प्रोडक्ट इमेज का फोल्डर और उसके अंदर हमारी फाइल का नाम। तो प्रोडक्ट ज़ीरो, इसके अंदर इमेज, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज है, ठीक है। ये हमने बेसिक इसकी डिटेल को शो करवा दिया। अब हमें क्या करना है, इनको लिंक बनाना है, ठीक है। इन्हें हमें लिंक बनाना है और इनकी जगह हमें डाटा शो करवाना है कि अभी हमें नहीं पता कि कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो होम पे तो हम डायरेक्ट लिंक लगा देंगे होम पेज का, इसको तो हम सीधा सैंपल लिख देते हैं, बेस यूआरएल इंडेक्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इंडेक्स पे जाएगा डायरेक्ट, क्लिक इंडेक्स पे गया, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कैटेगरी, तो कैटेगरी की डिटेल हमें चाहिए, तो कैटेगरी की डिटेल हम यहाँ से ले लेते हैं, कैटेगरी डिटेल के नाम से बनाते हैं, गेट कैटेगरी हेल्पर में देख लेते हैं किस नाम से बना हुआ है, ठीक है। गेट कैटेगरी डिटेल्स, और इसमें हम पास कर देंगे प्रोडक्ट्स की आईडी को, ठीक है, प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी। और यहाँ पे हम इको करवा देंगे कैटेगरी डिटेल के अंदर कैटेगरी का नेम, ठीक है। जो भी कैटेगरी का नेम होगा वो आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या दिखाना है, प्रोडक्ट के अंदर जो कैटेगरी की आईडी है उसी कैटेगरी के सभी प्रोडक्ट दिख जाएंगे अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, होम पे क्लिक करेगा तो होम पे जा रहा है ये, ठीक है। अगर मान लो किसी ने क्लॉथ पे कर दिया तो उसको क्लॉथ के सारी कैटेगरी दिखाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अनडिफाइन ऑफसेट आ रहा है, ये एरर कहाँ से आ गया, ठीक है। इसको भी हम चेक करते हैं अभी। ओ इसको क्या है, वो लिंक नहीं दिया इसलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। एचआरएफ में सिर्फ इसको आईडी दी है, तो इसको क्या देना पड़ेगा, बेस यूआरएल पूरा पाथ देना है, होम के अंदर कैटेगरी प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम एक बार, होम के अंदर कैटेगरी प्रोडक्ट्स ही है ना, कॉपी कैटेगरी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अंदर हमें ये आईडी पास करनी है, ठीक है। अब एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, एरर एरर बैच यू आर पी एस ई, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसी कैटेगरी के प्रोडक्ट दिखाएगा वो, ठीक है। होम पे चलते हैं, मोबाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। मोबाइल की अभी क्या, फ़िलहाल फ़ोटो की जो साइज है वो इतनी है इसलिए ये छोटी सी फ़ोटो आ रही है, ज्वेलरी को खोल के देख लेते हैं, ठीक है। ज्वेलरी पे क्लिक करेंगे तो ज्वेलरी के प्रोडक्ट दिखाएगा वो हमें, ठीक है, और इसकी जो डिटेल है वो दिखाएगा। तो ये वाला काम भी हमारा हो गया है कि इस प्रोडक्ट की डिटेल हमने देख ली है, जिस भी प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं उस प्रोडक्ट की डिटेल हमें शो हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ को, ये वाला तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे कैटेगरी वाले पेज पे। अब यहाँ पे हमने लिंक नहीं बनाया तो इनको भी पहले लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। व्यू कैटेगरी के अंदर हमारा जो कार्ड है यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। टारगेट ब्लैंक रहेगा
और जो इसको लिंक देना है वो रहेगा हमारा बेस यूआरएल होम प्रोडक्ट डिटेल, और प्रोडक्ट डिटेल के अंदर प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। और ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे लिंक को क्लोज कर देते हैं, यहाँ से क्लिक किया, ठीक है। तो दोनों जगह पे हमने ये प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है। अब हमें एक काम और करना है कि जैसे मान लीजिए मैं ज्वेलरी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो टाइटल कार्ड तो दिख रहा है, तो इसका भी टाइटल चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे को दिखेगा, और इसी को कॉपी करेंगे पूरा कि कौन सी कैटेगरी का टाइटल है, ठीक है। ज्वेलरी प्रोडक्ट दिखा रहा है अभी, है ठीक है। तो ये वाला काम भी हो गया हमारा, प्रोडक्ट की डिटेल वाले पेज पे भी हमने प्रोडक्ट की डिटेल को शो करवा दिया। तो इस लेक्चर का काम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।